तो मैं आपके मीडिया के सभी बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि बारीदार संघर्ष कमेटी ये मांग करती है कि हिंदू मंदिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए और वैष्णो देवी मंदिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर हमने माननीय हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी है। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी केरला की एक इलेक्शन में वहाँ पर पब्लिक रैली में बोल रहे थे कि हिंदू मंदिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि भाजपा एक साइड तो कहती है कि हिंदू मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए और जम्मू कश्मीर में जहाँ पर हमने पिटीशन दायर कर रखी है कि हिंदू मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए वहाँ पर ये सरकार के साथ खड़ी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनका दोहरा चरित्र जो है ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये क्लियर करे कि सरकार के साथ है जहाँ हिंदुओं के साथ है। तो इसको लेकर हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से श्राइन बोर्ड वजूद में आया तब से लेकर आज तक श्राइन बोर्ड वहाँ पर एंटी हिंदू एंटी सनातन एक्टिविटी चलाता जा रहा है जो हमारे हिंदू धर्म का अपमान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ माता के मंदिर से वैष्णो देवी की पिंडियों के पीछे से बेशकीमती मूर्तियाँ श्राइन बोर्ड द्वारा गायब कर दी गई हैं जो विधि द्वारा वहाँ पर स्थापित की गई थी, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। श्राइन बोर्ड द्वारा ट्रेडिशनल ट्रैक को बाईपास करके न्यू ट्रैक निकाला गया जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों द्वारा भवन में चढ़ाए गए पैसे का मिसयूज़ किया जा रहा है और वीआईपी कल्चर को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। वीआईपी लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधा देकर बैटरी कार की सुविधा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया जाता है और आम यात्री का वहाँ पर शोषण हो रहा है। आम यात्री को वहाँ पर प्रॉपर दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे से बना हुआ नारायणा हॉस्पिटल जो कि आउटसोर्स करके इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया और लाखों के हिसाब से वहाँ पर बिल लेकर लोगों को लूटा जा रहा है, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल चैरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए था, वहाँ पे गरीब लोगों का फ्री ऑफ कास्ट इलाज होना चाहिए था। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है सिर्फ बिजनेस चलाता जा रहा है और आस्था को वहाँ पर ख़त्म करता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है।